नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। पशु तस्करी केस में गिरफ्तार टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब ईडी ने अनुव्रत मंडल के बॉडीगार्ड की पत्नी को और मां को तलब किया है, क्योंकि इन लोगों के नाम पर कई संपत्तियां मिली है और ईडी को शक है कि ये संपत्ति पशु तस्करी कर कमाई गई है, जिसको लेकर अब ईडी सख्ती से इन लोगों से पूछताछ करेगी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। गाय तस्करी मामले में गिरफ्तार बीरभूम के टीएमसी अध्यक्ष अनुव्रत मंडल और उनके बॉडीगार्ड पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अब ईडी ने कार्रवाई तेज करते हुए अनुव्रत मंडल के बॉडीगार्ड सहगल हुसैन की पत्नी और मां को तलब किया है। उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को सहगल की पत्नी और मां के नाम से संपत्ति मिली है। इसी संपत्ति के स्रोत का पता लगाने के लिए सहगल की पत्नी और मां को तलब किया गया है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सहगल की पत्नी और मां के नाम पर काफी संपत्ति है। उन पर आरोप है कि वो सहगल की गिरफ्तारी के बाद संपत्ति बेचना चाहते थे। ईडी ने कई बार सहगल के घर पर छापेमारी भी की है। इससे पहले इस केस में सीबीआई ने दावा किया था कि सहगल और उनके परिवार के नाम पर 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक अनुव्रत सहगल के अलावा गौ तस्करी की काली कमाई का लाभ कई लोगों तक पहुंच रहा था। बता दें कि अनुव्रत मंडल का बॉडीगार्ड शुरू से ही गाय तस्करी मामले में गिरफ्तार होने के बाद सीबीआई की हिरासत में था। इस दौरान सीबीआई पूछताछ में उसने पशु तस्करी को लेकर कई राज खोले, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया और इस मामले में बाद में अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया गया। दोनों फिलहाल आसनसोल सुधार केंद्र में बंद है। गौ तस्करी मामले की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने दावा किया है कि टीएमसी नेता अनुव्रत के नाम पर कई संपत्तियां मिली है। अनुव्रत के पास कई करीबी सहयोगियों के नाम पर बड़ी संपत्ति होने का दावा है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि तृणमूल नेता की दिवंगत पत्नी चित्रा मंडल और बेटी सुकन्या के पास बड़ी संपत्ति, कई चावल की मिल भी बोलपुर क्षेत्र में जांच टीम की नजर में है। कुछ दिन पहले सीबीआई की टीम अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल से पूछताछ के लिए उनके घर गई थी। अधिकारियों ने सुकन्या से करीब एक घंटे से ज्यादा तक पूछताछ की, उससे सारी संपत्ति संबंधी मामलों में पूछताछ की गई, जिसके बाद अनुव्रत के बॉडीगार्ड सहगल की माँ और बहन को अब ईडी ने तलब किया है। ईडी की नजर अनुव्रत मंडल और उनके बॉडीगार्ड के अवैध साम्राज्य पर है। ईडी का दावा है कि अनुव्रत मंडल और सहगल के परिवार के नाम पर कई संपत्तियां मिली है, जो पशु तस्करी कर कमाई गई है। इसे लेकर सीबीआई भी पहले पूछताछ कर चुकी है और अब सहगल के परिवार से संपत्ति की डिटेल मांगी जाएगी। पहले पशु तस्करी केस में बड़ा खुलासा हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।